सबसे पहले बता दूं, हम यहाँ पर राजस्थानी फिल्म ठुकराइन पूरी करी है, उसका हम रिलीज की पार्टी और नई फिल्म की घोषणा के बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ राजस्थानी फिल्म ठुकराइन, ठुकराइन पिक्चर के बारे में आपको बता दूँ कि ये अच्छाई बुराई पे अच्छाई की जीत है और जुर्म पे किस तरीके से ठुकराइन अपना ग्रुप बनाकर जुर्म का अंत करती है, उसमें कैसे जीतती है और किस तरीके से वो अपने अंजाम को अच्छे से कामयाब करती है, उसमें एक रोचकदार बात रही है। उसमें हमने गाने से लेके संगीत से लेके फाइट से लेकर पूरा एंटरटेनमेंट दिया है। ये ठुकराइन का हमारा बेस रहा है जो राजस्थान का एक मेन बेस। और जो मैं नई फिल्म चालू करने जा रहा हूँ शंकर या कनपटी मार, वो एक मर्डर मिस्ट्रिक पर ट्रू कहानी है, सत्य घटना पर आधारित है। इन्होंने तकरीबन 87 मर्डर किए थे। मर्डर का जो तरीका था, मर्डर करने कैसे कैसे मर्डर किए, क्यों मर्डर किए, बाजार में तरह तरह की अफवाहें हैं, तरह तरह की धारणाएं हैं, तरह तरह की भावनाएं हैं, तो लोग कहते हैं कि इसने यूँ किया, इसलिए किया। हम बताएंगे कि इसने मर्डर क्यों किया, वो हमको रिसर्च में मालूम पड़ा शंकर या कनपटी मार। अब हमारे जो फिल्म के हीरो हैं, इस फिल्म से समाज को मैं आपको बता देता हूँ, आपने अच्छा सवाल किया है कि कहीं ना कहीं इंसानों के दिमाग में कहीं ना कहीं क्राइम और कहीं ना कहीं खून छुपा हुआ है। एक छोटी सी बात कहता हूँ, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बच जाता है तो आदमी कहते हैं बच गया यार। तो इसमें जो कानून का क्रिमिनल का जो माइंड है वो कानून, क्योंकि एक क्रिमिनल माइंड से ही पूरा समाज डिस्टर्ब होता है। तो किस तरीके से एक क्रिमिनल व्यक्ति बनता है, क्यों बनता है, क्यों है, क्यों वास्तव में, तो उसकी अगर हम मनस्थिति को जान लें, उसकी स्टडी कर लें, तो इससे वो हमको रोक सकते हैं। ये हमारे उसमें मेन मुख्य विषय है। ठुकराइन का मैं राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर हूँ और शंकर या कनपटी मार के राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर गाने मैंने लिखी है, तो जाहिर सी बात है एक प्रकार से ये इसका मैं जो बाजार की बात है पूरा सबका संकलन करके एक पिता की तरह या बड़े भाई की तरह मेरे उसमें भूमिका। हमारा शूट राजस्थान बीकानेर, पूरा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मुंबई रहेगा। घटना ऐसी तो कुछ नहीं घटी, यादगार बात एक ही रहती है सर की, जो भी है बस लगे रहो। और आपका किरदार क्या है इस फिल्म के बारे में बताइए। मेरा किरदार ये रहेगा, जैसे कि सर ने बताया कि जो ठुकराइन है अपनी टीम बनाती है, उस ठुकराइन का मैं भाई हूँ, जो मैं उनका फुल सपोर्ट करता हूँ इसमें, और हम मिलके भाई बहन अच्छाई पे बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए। प्रदीप जी की एक और फिल्म आ रही है, हाँ, उसके बारे में आप बताएं, उसमें आप क्या करेंगे? देखो प्रदीप जी, ये जो शंकर या कनपट्टी मार जो फिल्म आ रही है, इसमें जो पुलिस वाले का किरदार है जो सर ने कहा है अभी कि अभी वो मैं करूँगा, तो देखते हैं सर ये जिम्मेवारी मुझ पर सौंपते हैं, 100% खरा उतरने की कोशिश करूँगा, और वैसे सर फुल सपोर्टेबल है। मैं आपको बता दूँ, ये जो शंकर या कनपटी मार, ये हिंदी फिल्म है, और इससे पहले मैंने फिल्म बनाई थी पेट्रोल, वो भी मैंने हिंदी फिल्म बनाई थी 2004-05 में, उस समय दीपक शिर्के जी, पृथ्वी जी, शिवा जी, अदी रानी जी, रजा मुराद जी, किरण कुमार जी ने काम किया था राजस्थान में, चूँकि मुझे लोगों ने स्वीकार कर रखा है, राजस्थान में लोग मुझे फिल्में देखते हैं, तो मैंने कहा वहाँ पकड़ भी है, वहाँ का टेस्ट भी है, लोग मुझे प्यार करते हैं, उनको मैं खुद राजस्थान का हूँ तो मिट्टी को छोड़ नहीं रहा हूँ, और मेरे चक्कर में साथ में हिंदी में कर रहा हूँ, अब मैं हिंदी में कदम कर रहा हूँ। और रिहा ईशान खान ये फिल्म के हीरो हैं, जो मेन इंस्पेक्टर हैं, और बहुत पावरफुल, बहुत मजेदार रोल है। मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म मैं रिलीज मैं अगले महीने ही कर रहे हैं, थोड़ा चुनाव बीच में आ गया था, थोड़ा स्टॉप करना पड़ता है, नहीं तो हमारी डेट तो घोषणा अप्रैल में बनाई हुई थी, चुनाव निकलती सबसे पहले हम रिलीज कर रहे हैं ठुकराइन पिक्चर। बहुत जल्द मैं तो आपको बता दूं, आप बहुत अच्छा सवाल किया है, जब हम यहाँ आते थे बॉम्बे बीकानेर से, तो मीटर गज का जमाना था, 4-4 दिन से बॉम्बे पहुँचते थे, पानी की पखाल साथ में लाते थे, क्योंकि मीटर गज में है। अब तो बहुत मीडिया खुल गया, आप लोगों ने इतनी व्यवस्था कर दी है,
कि आर्टिस्ट चाहिए अच्छा था तो बहुत इजीली मतलब लोगों के सामने पहुंच जाते हैं, और फिर भी मेरा बैनर हमेशा खुला रहेगा उन लोगों के लिए जो प्रतिभावान है, जो काम करना चाह रहे हैं। बिल्कुल देना चाहते हैं लोगों के लिए, मैं यही चाहता हूँ समाज को संदेश तो यही देना चाहता हूँ कि हमारी राजस्थानी भाषा को बढ़ावा मिले, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग राजस्थानी फिल्मों को देखना चालू करें। जो लोग नहीं जाते हैं उनसे निवेदन है ज़रूर जाएं एक बार। मैं अब ये कहना चाहूँगा कि हमारे राजस्थान में ख़ास तौर से राजस्थान में अंग्रेजी बहुत बाद में चालू हुई और हिंदी भी बहुत बाद में चालू हुई। मैं बता दूँ जब हम सिक्स क्लास में थे तब अंग्रेजी चालू हुई, नाइन्थ में ख़त्म हो गई। तो अब वहाँ का क्या हो गया, दस्तूर क्या बन गया है कि लोग को राजस्थानी भाषा में बात करते बोलते राजस्थानी भाषा में बात मत करो, अंग्रेजी में बोलो या हिंदी में बोलो। मैं चाहता हूँ राजस्थानी हिंदी भी सीखे, राजस्थानी भी बोलो, राजस्थानी अंग्रेजी भी करें, और साथ में राजस्थान का जो भाषा उसको भी साथ में देखे, उसको बढ़ावा दे। मेरा मेन मकसद ये। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी देखने वालों को राजेंद्र मोदी और विकी हाड़ा का प्यार भरा नमस्कार। ठाकुरायन का प्रोमो अभी देखा, जैसे कि प्रदीप मारू जी की सभी फिल्में होती है ये भी ज़बरदस्त थी, और प्रदीप मारू जी सालों से लगे हुए हैं राजस्थानी सिनेमा के लिए, अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, और राजस्थान की जो 100वीं फिल्म थी वो भी प्रदीप मारू जी की थी, ये सौभाग्य भी उन्हीं को है। और हम राजस्थान से हैं, ज़्यादा राजस्थानी फिल्में तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारी शुभकामनाएँ हमेशा रही है, जब भी प्रदीप जी ने बुलाया या किसी भी राजस्थानी फंक्शन में बुलाया हम आए हैं, और हमारे साथ राजस्थानी फिल्मों के हीरो विकी हाड़ा जी बैठे हैं। सौभाग्य से एक फिल्म हमने इनके साथ भी की है जी, और वो एक ही फिल्म की है बस। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं ठाकुरायन की पूरी टीम को, अभी विकी जी बताएंगे बाकी। अब मोदी जी दूसरी फिल्म भी करेंगे, लेकिन क्या है कि वैसी कुछ स्क्रिप्ट इन्हें मिल नहीं रही, तो वो एक करके ही ये चुप हो गए। वैसे ठाकुरायन के बारे में बोलना ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर। ठाकुरायन एक राजस्थान का ही नहीं दुनिया का वो नाम है जिसने सब लोगों पे राज किया है। ठाकुर और ठाकुरायन का पुराना संबंध है, और अभी जो लेटेस्ट लोग हैं ये चीज़ें ज़िंदा रखने के लिए सबसे पहले मैं प्रदीप जी मारू को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने मतलब पुरानी चीज़ को यानी कि अपने वर्चस्व को कायम रखते हुए और इतना अच्छा सब्जेक्ट चुना और एक अच्छा सिनेमा बनाया, और अब सफल बनाने के लिए तो सब आप लोगों की ज़रूरत है, जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं है। और जो माँ का राजस्थानी भाई है, मैं सबसे का हाथ जोड़ विनती करा कि राजस्थानी फिल्मान देखो, आगे बढ़ाओ, तो ये पिक्चर था के लिए ही है, माँ के लिए नहीं है। तो राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा दो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखो, ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद धन्यवाद पूरी टीम। सर मैंने देखा बहुत मेहनत लगी हुई इस पिक्चर में, बहुत दिल से काम किया गया है, और मैं राजस्थान की इस फिल्म के लिए सभी दर्शकों से आग्रह करना चाहूँगा कि अपनी भाषा से जो लोग प्यार करते हैं वो बहुत तरक्की करते हैं। ये आप ही की भाषा की फिल्म, आप ही के लिए बनाई गई फिल्म है, और बहुत अच्छी पारिवारिक फिल्म है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ताकि और प्रोत्साहित हों प्रदीप मारू जी जैसे लोग जो अपनी भाषा को आगे रखकर फिल्म्स बनाना चाहते हैं और अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं पूरी टीम को जिनने बड़ी मेहनत से काम किया है, और अब इस मेहनत का फल आप लोगों को देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप सिनेमा में जाके इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। जी ये एक बहुत अच्छी एक रियल स्टोरी है, एक किलर के ऊपर, शंकरिया कनपटी मार इस फिल्म का नाम है। तो ये रियलिस्टिक तो मैं करता ही रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, और आजकल सिनेमा भी थोड़ा चेंज हो गया, अभी वो वैसा ढोंग ढकोसले पसंद ही नहीं है, सीधी सीधी सब्जेक्ट और सीधी सीधी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, और ये बहुत अच्छी स्टोरी है, उसमें मेरा एक अहम रोल है, मुझसे कहा गया है, अब मैं करता हूँ। मेहनत करने के लिए आए हैं सर इस इंडस्ट्री में, बहुत शुभकामनाएं। आप टेलीविजन के सुपरस्टार नहीं, आपके आने वाले जो प्रोग्राम है उसके बारे में। सर मैं टेलीविज़न का सुपरस्टार नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा वर्कर हूँ, छोटा सा एक्टर हूँ, काम करता हूँ, बहुत दिल से काम करता हूँ, मज़ा आता है। अभी मैं फ़िलहाल क्राइम पेट्रोल नहीं कर रहा हूँ पिछले 8 महीने से, अभी एक फिल्म आने वाली है मेरी, अभी उसका नाम रखा नहीं गया है, चाहता हूँ कि वो बस देखें आप लोग, जैसे ही सामने आएगी मैं ज़रूर बताऊँगा उसके बारे में। सर एक छोटा सा मेरा किरदार है ठाकुरायन में, और मैं एज ए खुद एक्टिंग की है इसमें, और बहुत ही अच्छी शानदार मूवी बनी है, और प्रदीप जी सर
बहुत ही अच्छे डायरेक्टर और निर्माता निर्देशक है। रास्तान से मैं मानता हूँ सबसे बढ़िया जो डायरेक्टर या निर्माता या रास्तानी मूवी देने वालों में से नंबर एक पर है। और मैं सभी से आशा करता हूँ कि ठकराइन फिल्म मेरे राजस्थान के नहीं पूरे भारतवर्ष के लोग इसको देखें और सबसे बेस्ट फिल्म बनी है मेरे हिसाब से, कि राजस्थान के लोग इतनी अच्छी फिल्म साउथ की स्टाइल में नहीं बनाते हैं। प्रदीप जी सर ने साउथ की स्टाइल को लेते हुए राजस्थानी पिक्चर बनाई है। मैं सभी से आशा और अनुरोध करता हूँ इस पिक्चर को जरूर देखें। और सर ने कहा है, सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान को आगे बढ़ावा देने के लिए। थैंक यू सर। उससे बोलना है, पूछेंगे, पूछोगे ना जी। देखिए सर, जो रीजनल सिनेमा होती है उसके लिए हम ये तो उम्मीद नहीं कर सकते कि बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की होगी, पर अपनी जगह कितनी ईमानदारी बरती गई है उसकी झलक इस फिल्म में दी। और बड़ी खुशी की बात है कि मुंबई में जो लोग इस विधा से जुड़े हुए हैं उनके सामने भी वो झलक पेश की गई। अदरवाइज़ होता ये था कि मुंबई में छोटे मोटे काम करने के लिए फिल्मों के लिए आते थे रीजनल सिनेमा वाले, बट यहाँ के लोग जानते नहीं थे कि इस फिल्म का वहाँ हश्र क्या हुआ या कैसी बनी होगी। तो एक तो अंदाज़ा हुआ महकमे में कि कैसी फिल्म बनी है, और दूसरी खुशी की बात यह है कि जो सिनेमाई भाषा है, लैंग्वेज होती है, उसका इस्तेमाल दिखता है इस फिल्म में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस उम्मीद के साथ में फिल्म बनाई गई है ये बिल्कुल उसकी अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी और यहाँ से शायद एक नया अध्याय शुरू हो जी। जी, जो अभी आप सबके सामने में बात आई वो भी मेरे सामने आज पहली बार आई। हाँ जी, हाँ, शंकर कनपट्टी मार। तो जो बात मेरे सामने आज आई वो पहली बार आई है, वो आप सबके सामने आई, तो निश्चित रूप से मैं कर रहा हूँ वो फिल्म। उसके बारे में विस्तार से इसलिए नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं खुद नहीं जानता, बनिस्बत इसके कि हाँ कहानी जो अभी मैंने वन लाइन सुनी वाकई में इंटरेस्टिंग है और ऐसे सब्जेक्ट पर काम होना आज की तारीख में बहुत लाजमी है और उस पर अच्छा रिस्पांस मिलता भी है। और प्रदीप भाई जिस शिद्दत और ईमानदारी से लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रोडक्ट निकल के आएगा और उसमें हमारा साथ या हमारा इन्वॉल्वमेंट उसमें कतई ये नहीं होगा कि किस स्तर का रहेगा, बल्कि 100% रहेगा, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ। जी, इन दिनों एक सोनी पे शो आता है, ये उन दिनों की बात है, वो तो चल ही रहा है। उसके अलावा हाल ही में अपहरण वेब सीरीज़ बहुत मकबूल हुई है, तो अभी अपहरण पार्ट टू के लिए हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं, साथ ही साथ ये शो तो चल ही रहा है। मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगी और मैं सबसे यही गुजारिश करूंगी कि ये जाके हॉल में देखे और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दे। थोड़ा सा हटके एक सवाल करना चाहूंगा। हाँ जी, चुनाव चल रहा है, मैं थोड़ा सा वो करना चाह रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। आने वाली सरकार हमारे देश में कैसी बननी चाहिए, क्योंकि सब कुछ निर्भर करता है, ये सिनेमा भी निर्भर कर रहा है हमारे देश में, हमारे सरकार कहीं ना कहीं उसका असर सिनेमा पे भी पड़ा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, हमारे देश में सरकार किसकी बननी चाहिए, कैसी? ये तो सच में पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है। किसको अच्छा बोले किसको बुरा बोले मैं कोई कमेंट पास नहीं करना चाहती। कोई कमेंट, सॉरी। मैं राजस्थानी दिनों से और बहुत ही इंतज़ार करने के बाद फिल्म आ रही है ठकराइन, बहुत अच्छी फिल्म है। मैंने इसका प्रोमो देखा है और इसकी कहानी के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ क्योंकि प्रदीप जी को बहुत बरसों से जानता हूँ। बहुत शानदार मूवी है और मुझे विश्वास है कि आप सब लोग देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्रदीप जी बहुत बरसों से बड़ी एकाग्रता के साथ, निष्ठा के साथ, लगन के साथ राजस्थानी फिल्में बना रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में इन्होंने बनाई हैं। हालांकि मैंने इनकी किसी राजस्थानी फिल्म में काम तो नहीं किया है, एक हिंदी फिल्म में काम किया है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही जो आगे ये राजस्थानी फिल्में बनाने वाले हैं
आपस में काम करूँगा। बहरहाल अभी फ़िलहाल इस फिल्म ठकुराइन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदीप जी के लिए। हाँ, ये आपने बहुत सही बात बोली। नए कलाकारों को पहले तो ये होता है उन्हें पता ही नहीं चलता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो किस तरीके से आपको कांटेक्ट में रहना है कि आपको पता चले अच्छा ये है, बहुत अच्छे निर्देशक हैं, ये बनाने जा रहे हैं ये पिक्चर, तो उनके साथ जुड़े रहना, उनके साथ काम करना, तो वो एक अपना जो टैलेंट है उनके सामने रखना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उनसे जुड़े रहिए, उनके साथ काम करिए, और जहाँ तक आप अपने अंदर विश्वास रखेंगे कि हाँ मैं कर सकती हूँ तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। अब उनके साथ जुड़िए, काम करिए। अभी जैसे मैं राजस्थान से हूँ, मैं जानती हूँ प्रदीप जी को बहुत अच्छे से, बट मुझे कभी उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला। बट ये है कि अभी उनकी जो नई मूवी आ रही है हिंदी मूवी, उनमें मैं उनके साथ जुड़ने जा रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। ठकुराइन मूवी बहुत ही अच्छी है। जैसा कि जो मूवी बनाते हैं प्रदीप जी, बहुत ही लेडी ओरिएंटेड रहती है, मतलब जहाँ पे वो नारीवादी नारी शक्ति बहुत दिखाते हैं, वो दिखाते हैं कि आज के ज़माने में मतलब कितना कमज़ोर जो समझते हैं लड़कियों को, वैसा कुछ है नहीं, तो लड़कियाँ अपने आप में बहुत ताकतवर हैं, बहुत आगे निकल सकती हैं। तो ठकुराइन भी एक वैसा ही है, उनका जो कैरेक्टर है ठकुराइन का वो बहुत अच्छा लगा मुझे स्पेशली। तो ये मूवी देखने के बाद पूरी समझ में आएगी कि हाँ कितनी अच्छी तरीके से बनी है। प्रोमो से हालांकि वो बहुत अच्छी लगी। हाँ वो अभी ऐसी कुछ बातचीत हुई नहीं है हमारी, तो बहुत जल्दी आपको वो भी पता चलेगा। अभी हाल फिलहाल तो यही मूवी है एक, शंकरिया गणपति मार। उसके बाद में जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं आपको बताएंगे। थैंक यू। आपसे एक सवाल, ठकुराइन मूवी एक देखा जाए तो एक पर्टिकुलर किसी महिला बेस पे है ये। जैसे राजस्थान में बहुत बार ऐसे देखा गया है कि महिलाओं पर अत्याचार बहुत होता है, और एजुकेशन से लेके बहुत सारी चीज़ ऐसी है जिनको क्या है कि प्रताड़ना मिलती रहती है, तो उसी को सब देख के हम लोगों ने ये मूवी बनाई है। बहुत सारे सोशल मैसेज भी हैं, जैसे बाल विवाह हो गया, एजुकेशन को लेके भी है, तो ये सब डिपेंड है इस बनाए। धन्यवाद। ठकुराइन आज रिलीज होने के लिए तैयार है, और मेरा सभी दर्शकों से, हमारे जितने भी राजस्थानी ऑडियंस हैं, राजस्थानी लोग हैं, सबसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है राजस्थानी फिल्में देखें, लोगों को ले जाएं, उनको और बढ़ावा दें। और इस फिल्म में मैं बताऊं आपको, प्रदीप जी मारो ने डायरेक्शन किया है, प्रोड्यूसर भी वही हैं, लिखा भी उन्होंने हैं। बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है, और हमारी बहुत सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा प्रहार किया इस फिल्म में। बाल विवाह और जितनी भी हमारी सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर करने की कोशिश करती हुई ये फिल्म है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, फिल्म ज़रूर जा कर के देखें। साथ ही मैंने इसमें बहुत पहली बार खूबसूरत रोमांटिक गाना गाया है। वैसे नॉर्मली सब आइटम सॉन्ग और अलग अलग तरह के गाने मैंने गाए हैं हमेशा, इस बार इस फिल्म के अंदर। और जो गाना कंपोज़ किया है जिन्होंने, वो भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं सरदार जी मलिक, और बहुत खुशी है मुझे। राजा हसन जी ने मेरे साथ में ड्यूट गाया है, और आप ज़रूर सुनिएगा। फिल्म का जो गीत संगीत है वो भी बहुत खूबसूरत है, म्यूज़िक भी बहुत अच्छा बना है। तो मुझे उम्मीद है दर्शकों को ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी, और सारे जो गीत हैं और म्यूज़िक है वो भी डेफिनेटली सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप सब यूट्यूब पर देख सकते हैं ठकुराइन का प्रोमो, ज़रूर जा कर के देखें। और मेरी शुभकामनाएं हैं पूरी टीम को, प्रदीप जी मारू और उनकी पूरी टीम को मेरी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ठकुराइन का प्रोमो देखा और प्रोमो देख के बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि प्रदीप मारू जी ने जो मेहनत की है वो ज़रूर सफल होगी। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप एक बार थिएटर में जाएं और इस फिल्म को ज़रूर देखें, और आने वाली नई फिल्म के लिए भी प्रदीप मारू जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान को इसी तरह आगे ले जा रहे हैं, मेहनत की सफलता।